दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं काफ़ी समय के बाद में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपनी कुछ प्लांट की शॉपिंग, जो कि आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला भी था कि मैं नए पौधों की ख़रीदारी करूं। तो फाइनली मैंने अभी थोड़े से पौधों की ख़रीदारी कर ली है, और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बाहर अभी कम ही जा रही हूं, तो मैंने अभी जो पौधों की शॉपिंग की है वो ऑनलाइन शॉपिंग की है, और इस बार बिल्कुल अलग पौधे मंगाए हैं। इस तरह के कोई भी पौधे नहीं मंगाए, लेकिन पहले दिखाती हूँ आपको। जैसे एक एक पौधा करके पूरा गार्डन बनता है, उसी तरीके से देखिए चिड़िया ने भी एक एक तिनका तिनका करके अपना घोंसला तैयार कर लिया है। और ये देखिए मेरे घर में ही एक ये पेड़ लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा हो गया है, क्रिसमस ट्री का बहुत पुराना पेड़ है, और इसके अंदर चिड़िया ने घोंसला बनाया है। एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया आती है ब्लू कलर की, उसने ये घोंसला बनाया है और इसके अंदर अंडे भी हैं। तो ये देखिए जो पक्षी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना इंतज़ाम कर ही लेते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत बनाया है, बिल्कुल नेचुरल घोंसला है। अगर मार्केट में मिलने वाले घोंसले चाहे जितने मर्जी हों, लेकिन वो ऐसे नहीं बन पाते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने प्लांट्स की तरफ। तो देखिए कुछ इस तरीके के डब्बे में आए थे प्लांट्स मेरे, और मैंने ख़रीदारी जो की है वो की है सकुलेंट पौधों की, और फर्स्ट टाइम मैंने सकुलेंट पौधे ख़रीदे हैं, वो भी ऑनलाइन। लेकिन बहुत अच्छी नर्सरी मुझे मिल गई थी, मैं नेट पर सर्च कर रही थी एक दिन, तो मुझे सर्च करते करते ये नर्सरी दिखी, और इस नर्सरी के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी ली तो मुझे अच्छी लगी। प्राइस भी रीज़नेबल थे, मतलब मैंने बहुत पहले ख़रीदा था एक मतलब पौधा यहाँ लोकल नर्सरी से 350 रुपीज़ का, तो वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला मेरा, जिसकी वजह से फिर मैंने कभी सकुलेंट ख़रीदे नहीं, लेकिन मन तो करता था। अब ये पौधे बहुत सस्ते में मिल गए हैं मुझे, लोकल मार्केट की अपेक्षा अगर मैं देखूँ तो बहुत सस्ते मिल गए। और इस नर्सरी की खास बात ये थी कि यहाँ पर जो पौधे मिलते हैं वो आगे बताऊँगी, अगर आपके पौधे ख़राब निकलते हैं तो वो रिप्लेस भी हो जाते हैं, आपका दूसरे पौधे मिल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने पौधा ख़रीदा है ये कितना खूबसूरत पौधा है, और अभी आपको ये पौधे ना थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनको रिपॉट करेंगे तब ये बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे 3 दिन के अंदर अंदर। और एक चीज़ और, इनके रिपॉट करने का बिल्कुल अलग तरीका हो। तो पहले पौधे के बारे में बता देती हूँ, पहला वाला पौधा जो था वो था ग्रीन जेली, और उसका प्राइस था 80 रुपीज़, केवल 80 रुपये। और ये जो दूसरा पौधा आप ये देख रहे हैं, ये कलांचू पौधे की कोई वैरायटी है, कलांचू फेट शौकिन करके कुछ है, और इसका प्राइस भी बहुत कम है, केवल 60-70 रुपीज़ है ये। और ये आ गया हमारा ग्रीन एलो नाम से, जो एलोवेरा की ही छोटी सी वैरायटी होती है, और ये भी 80 रुपये का है। तो आप ये देखिए कितनी सस्ती नर्सरी है, इतने प्यारे प्यारे पौधे जो कि आप अगर मार्केट से ख़रीदते हैं या लोकल नर्सरी से ख़रीदते हैं तो ये 300-350, क्योंकि मुझे तो अच्छे से याद है मैंने 2-3 बार ख़रीदे हैं पौधे, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आप अपने आसपास की नर्सरी में अगर सकुलेंट प्लांट देखेंगे तो महंगे ही मिलते हैं, तो मैं इसी चक्कर में कभी ख़रीद नहीं पाती थी, लेकिन फिर मैंने देखा तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा। और ये एक नेकलेस करके इसका कुछ नाम है, और ये बहुत ही अच्छी सी स्ट्रिंग वाली एक बेल टाइप की है, ये भी सकुलेंट की है, और इसका भी प्राइस 70-80 रुपीज़ था लगभग, और बहुत ही प्यारी लगती है ये। मैंने वेबसाइट पर फ़ोटो देखा था तो ये बहुत अच्छी लगी थी देखने में। और एक ये सकुलेंट है, ये जो है इसके अंदर फूल निकलता है, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर बर्ड्स भी बनी हुई हैं, और ऑरेंज कलर का फूल निकलता है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और ये हाँ खास बात बताऊँ मैं आपको इनकी, कि ये जो भी फूल देने वाले हैं या पत्तियों वाले सुंदर सुंदर से पौधे हैं, ये सभी इंडोर हैं, और इनको किस तरीके से रखरखाव करना है, इनकी किस तरीके से देखभाल करनी है, कैसी सॉइल मिक्सचर करना है, इन सब के ऊपर मैं आपके साथ में एक अलग से वीडियो शेयर करूंगी बहुत जल्दी ही, और इससे बनाएंगे हम एक छोटा सा सुंदर सा फेरी गार्डन भी, इसीलिए मैंने स्पेशली मंगाए हैं। और ये ज़्यादातर इसमें क्रासुला हैं, और इनका प्राइस सबका अलग अलग है, सबका 70-80 रुपीज़ के अराउंड ही है। एक दो पौधे ही हैं जो 100 रुपये के हैं, 100 रुपीज़ से ज़्यादा का कोई भी नहीं है।
और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने नोटिस की होगी कि ये सारे ना पेपर में लपेट करके आए हैं, सॉइल के साथ में नहीं आए हैं। तो मैं भी बड़ी हैरान हुई थी कि उन्होंने मुझे पेपर में लपेट करके भेजा, इतनी अच्छी वेबसाइट थी और इतने सस्ते पौधे मिल रहे थे, फिर पेपर में लपेट करके क्यों भेजा। तो मैंने उनसे फिर बाद में कॉन्टैक्ट भी किया, तब उन्होंने बताया कि ये जितने भी सकुलेंट पौधे होते हैं उनको पॉट में लगा करके नहीं भेजा जाता है, क्योंकि पॉट में मॉइस्चर रहता है और ज़्यादा मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से बंद रहेंगे तो ख़राब हो जाते हैं। इनकी जो डिलीवरी थी वो बहुत अच्छी डिलीवरी थी, मतलब 2 दिन के अंदर ये पॉट्स, मतलब मेरे सारे प्लांट्स आ गए थे, और इसके अलावा डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। वेबसाइट भी काफ़ी मुझे पसंद आई, क्योंकि एक तो रीज़नेबल प्राइस है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर आपका कोई पौधा ख़राब आता है, मान लीजिए बाई चांस कोई पौधा ख़राब आता है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको कोई मतलब कुछ भी वो नहीं किया जाता। और ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये भी क्रासुला की एक वैरायटी है और इसका प्राइस था 80 रुपीज़, केवल 80 रुपीज़। तो इस तरीके से है। और हाँ, वेबसाइट का नाम बता देती हूँ, वेबसाइट का नाम है प्लांट ऑर्बिट करके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के प्लांट्स खरीदना तो आप खरीद सकते हैं। और www.plantorbit.com करके वेबसाइट है इनकी, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं रजनी तो आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आप मेरा कोड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वेबसाइट का नाम और नंबर भी। तो अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, तो आप फ़ोन के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के पौधे हैं ये। तो बस इतनी ही सी ख़रीदारी करी थी मैंने, अब इसको जब मैं शिफ्ट करूंगी या रिपोर्ट करूंगी तब आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी। फ़िलहाल आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस तरह के पौधे, हाँ एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि ये पौधे जो हैं ये सारे आप इंडोर गार्डन जब बनाते हैं तो उसमें लगा सकते हैं बेफिक्र होके। और जितने भी पौधे मैंने खरीदे थे, ये वाले जो आपके साथ में शेयर किए, सारे ही हार्डी प्लांट हैं। हालांकि सकुलेंट जो होते हैं, यहाँ की पंजाब की गर्मी में बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना, लेकिन यहाँ ये जो है जितने भी पौधे हैं बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट हैं, जिसकी वजह से मैंने इनको परचेज़ किया है। तो बस इतना ही वीडियो था, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।